और माननीय बहन जी ने जो मुझमें विश्वास जताया है आखिरी क्षण में, वो बहुत सराहनीय है और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और आगे जौनपुर की जनता के साथ कमर कसकर हमेशा खड़ा रहूंगा। आज हम बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा द्वारा जौनपुर लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार बदले जाने की घटना का विश्लेषण करेंगे। इस बदलाव से कौन प्रभावित होने वाला है, यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। बसपा ने जौनपुर से श्रीखला धनंजय सिंह की जगह श्याम सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया। श्रीखला जौनपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष और गैंगस्टर से नेता बने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीखला की उम्मीदवारी को भाजपा उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह के लिए नुकसानदेह माना जा रहा है। कृपा शंकर महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने सोमवार तड़के 1 बजे यादव को फोन करके अपने निर्णय की जानकारी दी। इससे पहले दिसंबर 2022 में यादव ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ की थी। बसपा सूत्रों का कहना है कि धनंजय सिंह ने ही पार्टी के उम्मीदवार बने रहने से इनकार किया। विवादों और आपराधिक मामलों में घिरे रहने वाले धनंजय सिंह वर्तमान में जेल में है। बाकी यादव के मैदान में आने से कृपा शंकर को फायदा होगा, क्योंकि वह समाजवादी पार्टी यानी कि सपा उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा के यादव वोटों से सेंध लगाएंगे। यादव सपा के प्रमुख वोट बैंक है। वहीं यादव के चुनाव लड़ने से भाजपा को गैर यादव वोटों को एकजुट करने में मदद मिलेगी, जिसमें ठाकुर ब्राह्मण और ओबीसी वोट शामिल है। हालांकि इस बदलाव में सपा को झटका लगेगा, जिसके उम्मीदवार कुशवाहा को अब कृपा शंकर से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा द्वारा जौनपुर लोकसभा सीट से श्रीखला धनंजय सिंह को हटाकर श्याम सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया जाना एक महत्वपूर्ण घटना है, जो चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकती है। क्योंकि बसपा ने पारंपरिक रूप से जौनपुर में ठाकुर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जो क्षेत्र का एक प्रभावशाली समुदाय है। हालांकि पार्टी ने 2009 और 2014 के चुनावों में यादव उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2019 के चुनावों में बसपा ने फिर से एक ठाकुर उम्मीदवार को मैदान में उतारा, लेकिन भाजपा के कृपा शंकर सिंह से हार गई। वैसे श्रीखला धनंजय सिंह जौनपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं और उनके पति धनंजय सिंह एक बाहुबली नेता हैं, जो वर्तमान में जेल में हैं। श्रीखला की उम्मीदवारी को भाजपा के लिए नुकसानदेह माना जा रहा है, क्योंकि वह ठाकुर मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा अपने पति के साथ साझा कर सकती है। बाकी यादव एक पूर्व सांसद है, जो 2014 और 2019 के चुनावों में जौनपुर से चुनाव हार चुके हैं। वह सपा से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया। यादव की उम्मीदवारी से जौनपुर में चुनावी परिदृश्य बदल गया है। वह यादव मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा अपने साथ ला सकते हैं, जो पारंपरिक रूप से सपा का वोट बैंक रहा है। तो इस तरह बसपा द्वारा जौनपुर में उम्मीदवार बदलना एक महत्वपूर्ण घटना है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।